नक्सली भाकपा माओवादी संगठन आज से 8 दिसंबर तक पीएलजीवे दिवस मना रहे हैं। नक्सलियों ने पलामू जिले के मनातू के चक इलाके में पोस्टरबाजी की है। चिपकाए गए पोस्टर और बैनर में नक्सलियों ने पीपुल्स लिबरेशन ऑफ गोरिल्ला आर्मी का गुणगान किया है और लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की है। तो आज से 8 दिसंबर तक पीएलजीए सप्ताह और इसमें आम लोगों को भी शामिल होने की अपील की गई है। नक्सली भाकपा माओवादी संगठन आज से 8 दिसंबर तक पीएलजीए दिवस मना रहे हैं। नक्सलियों ने लामू जिले के मनातू के चक इलाके में पोस्टरबाजी की है। चिपकाए गए पोस्टर और बैनर में नक्सलियों ने पीपुल्स लिबरेशन ऑफ गोरिल्ला आर्मी का गुणगान किया है और लोगों से इसमें शामिल होने की भी अपील की है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पोस्टरबाजी की गई है और लोगों से शामिल होने की अपील की गई है। तो आज से 8 दिसंबर तक पीएलजीवा दिवस और इसको लेकर के पोस्टरबाजी। हालांकि प्रशासन भी अब अलर्ट, क्योंकि नक्सली गतिविधियों को अंजाम ना दिया जा सके इसके लिए भी प्रशासन की पूरी तैयारी की जा रही है। और सबसे खास की आम लोगों से अपील की गई है इस पीएलजीए दिवस में शामिल होने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वो भी इससे प्रभावित होते हैं, जब जब ऐसे पोस्टर लगाए जाते हैं वो भी दहशत में आते हैं। हालांकि प्रशासनिक तैयारियाँ भी की जा रही है इस दिवस को लेकर के। तो आज से 8 दिसंबर, काफ़ी लंबा कह सकते हैं कि वक्त होगा, 5 से 6 दिनों का, जिसमें ये दिवस पीएलजीवा दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। शरण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शरण, जिस तरीके से आज से 8 दिसंबर तक पीएलजीवा दिवस नक्सली मना रहे हैं, किस तरीके से पोस्टरबाजी की गई है और प्रशासन की कितनी सतर्कता है? जी बिल्कुल राहुल, देखिए ये मनातू जो है वो काफी नक्सल प्रभावित क्षेत्र शुरू से ही रहा है और वहीं पर जो भाकपा माओवादी का जो पीपुल्स लिबरेशन ऑफ गोरिल्ला आर्मी है, ये भाकपा माओवादी जो उग्रवादी संगठन है उसका एक गोरिल्ला आर्मी का सकते हैं कि फ्रंट लाइन जो इसके स्नाइपर्स होते हैं, जो लड़ाकू कहते हैं सीधे तौर पर, ये इनके सिपाही का एक रास्ता है जो कि इनके लड़ाई में शामिल रहता है और उनका ही एक सही ये जो है वो संगठन का सप्ताह मनाया जा रहा है जिसे हम पीएलजीए सप्ताह भी बोलते हैं। तो ये 2 तारीख से आज से शुरू होकर 8 दिसंबर तक ये मनाने का इन्होंने ऐलान किया है। जो पोस्टरबाजी हुई इसमें साफ तौर पर जो भाकपा माओवादी का जो पीपुल्स आर्मी है उसने अपने कार्यों के बारे में लोगों तक अपना जानकारी दी है कि उनका उद्देश्य क्या है और कार्य क्या करते हैं, और साथ ही लोगों से अपील की है कि जो उनका दस्ता कमजोर हुआ है, जो उनके दस्ते में अब लोगों की कमी है, तो उन सब चीजों को लेकर लोगों से अपील की है कि लोग अब इससे जुड़े और जो उनके नीति और विचार है उनसे प्रभावित हो और उनके साथ जाकर उनका साथ दे। आपको इससे बताना चाहेंगे राहुल, जब ये जो गोरिल्ला आर्मी था पहले इनकी तादाद 300 से 400 की दस्ते की हुआ करती थी, यानी एक दस्ते में लगभग 300 से 400 लोग होते थे, लेकिन आज स्थिति ये है जो प्रशासन की मेहनत कहें और जो पुलिस के दबिश से है, सुरक्षा बलों के दबिश के कारण अब गोरिल्ला आर्मी में महज कहें कि दस्ते में 12 से 15 लोग ही अनुमान बच गए हैं। तो एक बड़ा झटका भी माओवादियों को लगा है, इसलिए इन्होंने साफ तौर पर लोगों से अपील की कि लोग गोरिल्ला आर्मी से जुड़े, संगठन से जुड़े और संगठन को मजबूत करें। चलिए शुक्रिया शरण तमाम जानकारी के लिए।